तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विद मैथ साइंस में। और आज हम लोग बात करेंगे कि बहुपदों का भाग किस तरीके से किया जाता है, मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। तो बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, वो सारा चीज हमने बिल्कुल डीपली बताया है। आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब आते हैं हम लोग, भाग कैसे होता है बीजीय व्यंजकों का वो जानते हैं। और ये जो भाग देने का इसका अगर विधि पता लग गया तो आप एक बहुत बड़ी चीज करना सीख जाओगे कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे पता किए जाते हैं। तो इसलिए भाग को समझना जरूरी है। अभी यहां पर देखोगे जो बहुपद हमने लिया हुआ है ये एक पद का है। कितने पद का है भाई? एक ही बात तो है ना? कोई दो चीजें थी या दो अज्ञात राशियां थी जिनका वर्ग करके आठ गुना किया गया, एक ही बात तो है। लेकिन यहां पर देखो, कोई एक अज्ञात राशि थी उसका वर्ग किया गया, फिर दूसरी कोई अज्ञात राशि थी उसमें से उसके वर्ग को माइनस किया गया, तो इसमें दो बातें हो गई। ये द्विपदीय है और ये एक पदीय है। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक को एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग, द्विपदीय को द्विपदीय से भाग, दोनों को हमको सीखना है। पहले हम एक पदीय वाले को भाग देना सीखते हैं। यहां पर जो सवाल है लिखा है कि 8x² / 2xy, मतलब 8x² / y² को भाग देना है 2xy से। बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको प्रक्रिया समझाने के लिए आसान सवाल ही लिया जाता है। 2xy से भाग देना है, इससे भाग देना, इसको 8x² / y² भाग का निशान ऐसे बना दिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है ये जान लो, जो अचर है, जैसे कि इसमें देखो क्या है, 2 अचर जैसा ही है, कायदे से अचर नहीं है, आपको बता दें ये चर ही है भाई। एक्स वाई दुई ठी रहे, कई ठी रहे, तो 2xy कह दिन का बात को समझे, xy कई ठी रहे हैं, दो ही रहे, जैसे एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, जो ये है, जो ये है वही तो ये है, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, जुड़ करके क्या हो गया 2xy। तो हमको बताओ क्या ये 2 अचर है? ये बता रहा है कि एक्स वाई कितने हैं, ये इसका गुणांक है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले गुणांक का गुणांक के साथ भाग देना शुरू करेंगे। यहां गुणांक है 2, यहां गुणांक है 8, मतलब हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार, 2 × 8, पक्की बात है एकदम। अब इसके बाद जो चर हैं उनको सेट करना है, क्योंकि चर का पहाड़ा जब पढ़ा जाएगा तो अगर किसी चर के साथ पढ़ा जाएगा तो उसमें समान चर वालों की घातें जुड़ जाती हैं, समान चर की घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि एक तरीके से यहां जो जितनी बार जाता है उससे गुणा ही तो होता है। जैसे हम 2 4 बार ले गए, इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 2, 4 × 2 गुणा होकर तो आता है। अब अगर हमको लाना कितना है, x² और y² है, कितना xy, घात कितनी है इसकी दोनों की, 1 1, इसकी घात कितनी है, 2 2, और मैंने बताया कि घात बढ़ेगी कब, जब समान चर में गुणा होगा तब। जैसे x का अगर गुणा x के साथ हो जाता है तो इसकी एक घात दोनों मिलके x घात 2 हो जाती है, बात समझ गए। y का गुणा अगर y के साथ हो जाता है तो दोनों की एक एक घात मिलके y की घात 2 हो जाती है। अब बात समझो, यहां पे मतलब
इसका गुणा इतने के ही साथ हो तब दोनों की घाते जुड़ करके ये चीज आ सकती है ना भाई। एक्स है एक घात वाला, एक घात चाहिए, हमने एक्स लगा दिया। एक वाई है, एक वाई चाहिए। अब सोचो इसका अगर एक्स वाई का गुणा इसके साथ होगा, एक्स वाई का गुणा एक्स वाई के साथ होगा तो गुणा में इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। एक्स के साथ एक्स की घात, इसकी घात एक, इसकी घात एक, एक्स की घात कितनी हो गई, दो। बात साफ है ना एकदम। वाई का जब वाई के साथ गुणा होगा तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, वाई घात कितनी हो गई, दो। अब इसके बाद पहाड़ा हमारा पढ़ा जा चुका है, हमने 2xy का पहाड़ा समझ लीजिए 4xy बार पढ़ दिया। पढ़ने के बाद जो आया उसको हमने लिख दिया। अब भाग में करते क्या है, हम ऊपर वाले में से नीचे को करते हैं, घटा देते हैं, घटाते ही तो है, यहां भी घटा देंगे। चिन्ह लगाया माइनस का, 8x2y2 में से 8x2y2 पूरा का पूरा घट गया, क्या बचा, जीरो। कुछ बचेगा, शेष हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया जीरो। और मैं बता दूं आपको, अगर भाजक किसी भाज्य को भाग दे रहा है और शेष आ जा रहा जीरो, इसका मतलब ये है कि ये जो भाजक है इस भाज्य का एक गुणनखंड भी होगा। इसका मतलब यहां पर एक बात और तय है, अतः ये भी कह सकते हो कि 2xy 8x2y2 का एक गुणनखंड जरूर है। बहुपद किसका, 8x2y2 का एक गुणनखंड जरूर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बात समझ गए, एक तो होगा जरूर, बाकी भले दूसरा, मतलब दूसरा जो गुणनखंड है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन एक गुणनखंड तो ये इसका पक्का है, भाग देने से पता लग जाता है। ठीक, अब देखो हम लोग बात करेंगे कि द्विपदीय अगर कोई बहुपद हो तो उसको द्विपदीय वाले से कैसे या फिर एक पदीय वाले से कैसे भाग दिया जाता है। सिर्फ आप सवाल को देखते चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भाग देना है किससे, ए प्लस बी से। हम इसको ऐसे लिखेंगे भाग देने के लिए, ए प्लस बी भाग दे रहे हैं किसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है, गुणांक एक है, यहां भी जो लाना है वो क्या है, एक है। हमेशा ध्यान रखना जब एक से अधिक बहुपद हो तो पहले आपको जो भी काम करना है पहले वाले पद को ध्यान में रखकर करना है, मतलब हमको जो कुछ करना है किसको लेकर चलना है, ए स्क्वायर हमारा टारगेट है। हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, भले इसमें बी भी है लेकिन हमारा टारगेट किसको है, ए स्क्वायर है। तो हम ए का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ए स्क्वायर आए, तो ए बार पढ़ें, क्योंकि ए बार पढ़ेंगे तो ए से ए की दोनों घातें जुड़ेंगी और वो क्या हो जाएगा, ए की घात दो हो जाएगा। लेकिन यहां ए अकेला थोड़ी है, यहां तो ए प्लस बी है, जितनी बार ले जाओगे उससे इस पूरे में गुणा होके तो यहां लिखा जाएगा ना, है कि नहीं। जैसे कहीं लिखा हो इसे 24/2500 ऐसे लिखा है, अब अगर तुम दो बार ले जाते हो तो का ये दुई का यही दुई से गुणा हुए, खाली पूरे 24 में दुई से गुणा होता ना, होता ना। तो यहां भी क्या होगा, ए से गुणा होगा इन दोनों में तब इसके नीचे लिखा जाएगा। ए से हम गुणा करना शुरू करें भाई, ए का ए से हुआ, ए स्क्वायर हुआ तो ए स्क्वायर के नीचे लिख दिया। हमेशा सजातीय पदों को, समान घात वाले पदों को ऊपर नीचे करके लिखा जाता है, जोड़ने घटाने में आसानी होती है। इससे हो गया, अब इससे होना है, ए का जब बी से होगा तो ए बी हो जाएगा क्योंकि ये समान चर नहीं है, और ए बी कहीं ऊपर दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, उसको बेचारे को अलग लिख देंगे, प्लस में रहेगा, प्लस ए बी। ठीक, अब हम घटाने वाला काम शुरू कर देंगे भाई, पहाड़ा तो पढ़ लिया, अब घटाएंगे ना, ये प्लस में है घटेगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है घटेगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। जब भी मतलब घटाने के काम शुरू करना चिन्ह जरूर लगा देना, और चिन्ह जाते हैं बदल, जैसे मान लीजिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो
तो घटाने का मतलब ये हो गया कि जब चिन्ह माइनस वाला लगाओगे तो जो चिन्ह उनके पहले से रहेंगे वो बदल जाएंगे, जो प्लस, जैसे यूं समझो, जैसे मान लो ब्रेकेट लगा हो और यहाँ हमने ऐसे x प्लस वाई लिखा है, ये मान लो घटाने का लगा हुआ है चिन्ह, अब क्या होगा, ये ब्रेकेट खुलेगा तो इन दोनों चिन्हों को बदल देगा ना, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। तो वही चीज है, जब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इनके पहले वाले चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस में था माइनस हो गए, ये भी प्लस में था माइनस हो गए। अब ए स्क्वायर ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का, ये खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है, माइनस का बी स्क्वायर यहां बच रहा और माइनस का ए बी यहां बच रहा, दोनों को उतार लेते हैं भाई, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले लिखो और चाहे इसको पहले लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बीजगणित की यही सबसे अच्छाई होती है, जिसको जहां चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब की बार हमको लाना है कितना, बी स्क्वायर, क्या लाना है, बी स्क्वायर, और वो भी किसका, माइनस का, किसका लाना है, माइनस का। अब माइनस का बी स्क्वायर कैसे आ सकता है हमारे पास, तो प्लस का बी स्क्वायर है, किसका है, प्लस का है, है ना। अगर और थोड़ा सेट करना चाहो तो चाहो तो इसको इधर कर सकते हो, उसको उधर कर सकते हो, थोड़ा सा आसान तुमको लगेगा, क्या आसान लगेगा बता रहा हूं, जैसे इस माइनस ए बी को इधर लिख लिया, ऐसे लिख लिया, है तो वही चीज ना। अब यहां ए है, लाना है माइनस का ए बी, तो इसका मतलब माइनस वाली चीज लाना है, तुमको माइनस लगाना होगा, क्या लगाना होगा, ए है ही, बी लाना है, मतलब बी वाले से गुणा होगा, तो जब बी वाले से गुणा होगा तो पहले अब इसी से गुणा होना है, माइनस बी से, किससे, क्योंकि अब की बार हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं, माइनस बी बार, है ना। तो अब माइनस बी से ही पहले इसमें गुणा होगा, तो ए और बी का गुणा ए बी, वो लेकिन हो जाएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि किसमें है, वो माइनस में है भाई, माइनस का प्लस वाले से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा ना। अब जब यहां देखोगे फिर दोबारा इसमें बी वाले में गुणा होगा, तो ये माइनस का ये प्लस का ये फिर से माइनस हो जाएगा, और बी का बी से गुणा होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब फिर वही काम जो यहां किए थे, घटाना है, चिन्ह बदलना है, नीचे वाले चिन्ह सब बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया ना। अब ऊपर माइनस का ए बी और नीचे प्लस का ए बी, खत्म। ऊपर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे प्लस का बी स्क्वायर, खत्म। अगर मान लो जो हमने इसको इधर से इधर किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हो जाता ये भी भाई। एग्जाम्पल के लिए यू समझ लो, जैसे मैंने अभी क्या पहले, इसके पहले क्या लिखा था, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये लिखा था ना, ये लिखा था ना, ले तो जाना तुमको माइनस बी बार ही ना, ले जाते क्या करते, माइनस बी का पहले इसमें करते, चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है बीजगणित, चाहे इधर से गुणा शुरू कर दो चाहे उधर से गुणा कर दो, सब में आंसर आ जाता है। अब आंसर इसलिए आ जाता है क्योंकि एक अज्ञात राशि का दूसरे अज्ञात राशि से कोई लेना देना नहीं है, ये अगर 10 भी हो जाएगा तब भी 10 के जीरो नहीं लिखवाएगा, 10 भी ही रहेगा। अब अंक गणित में क्या होता है, 10 होगा तो 10 के जीरो, एक हासिल पड़ोसी में लग गया, है ना। ये अगर 100 भी हो जाएगा, ये 100 भी, तो 100 भी ही लिखा रहेगा, समझ गए। 13 भी हो जाए, 13 भी हो जाए, 13 जुड़ी है, 13 भी लिखा रहे, 13 के 3 ना लिखा जाए। यही लिए चाहे गुणा इधर से करो चाहे उधर से करो चाहे जिधर से करो, कोई भागों में कर सकता था, तुम इधर से काटना शुरू किए थे ना, उधरों से करियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो गुणा करते माइनस बी बार, तो माइनस का बी से, अगर मान लो बी से करते या फिर ए से ही करते तो क्या आता भाई, माइनस का ए बी आता, हम माइनस के ए बी वाले के नीचे लिख देते, इसके नीचे ना लिखते, फिर जब इससे होता तो माइनस का बी स्क्वायर आ जाता, बाद में चिन्ह बदलते ये माइनस का प्लस होता, ये भी माइनस का प्लस होता, दोनों कट जाते, फिर से आ जाता क्या, रिमाइंडर जीरो। और जहां रिमाइंडर शेष, जहां पे जीरो आया है, वो ये बता देता है कि जो ये ए प्लस बी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भाज है उसका एक गुणनखंड ही है, पक्का है। और सुनो एक मजेदार और बात, ये गुणनखंड है इसके, तो का ही नहीं ना, यहू है, यहू से भाग देवे तब वो ये कट जाएंगे,
मतलब भाजक और भागफल दोनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे जब शेष क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यहां पर भी वही केस है, ये और ये दोनों इसके गुणनखंड हैं, बस भाग देने पर क्या आया हो, शेष जीरो आया हो। क्लियर है बात? दुई गुणनखंड सिर्फ भाग दे के मिल गए, क्या करके भाग दिया, दो गुणनखंड मिल गया, है ना। एक जिससे भाग दिया वो, और दूसरा एक जो भागफल आया, जो उत्तर आया वो। लेकिन शर्त ये है कि शेष बचना चाहिए जीरो, कुछ ना बचे शेष। अगर शेष बच गया तो फिर ना ये गुणनखंड है और ना ये गुणनखंड, ठीक है। तो अभी हमने एक पदी और द्विपदी बीजीय व्यंजकों का या बहुपदों का भाग हमने जान लिया है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा इससे और कठिन क्वेश्चन लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो।